ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेन और नीट के पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड। जो भी अपडेट्स हैं हमारे पास में, जो भी हमारे पास इसमें सिनेरियो चल रही है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और बहुत सारे और भी चीज़ें मेरे को यहाँ पर डिस्कस करने हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग मेरे मुँह से सुनोगे। जो मेरा ओपिनियन है, कुछ कुछ चीज़ों को लेके, कुछ कुछ चीज़ों पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपके सामने बात करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे सिचुएशन ऐसी चल रही है कि 11 स्टूडेंट्स, ठीक है, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से 11 स्टूडेंट्स ने जाकर के सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। और बहुत जोरों शोरों से ये हमारे पास में मांग करी जा रही है हर जगह कि हमें पोस्टपोन कराना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं जेई नीट इशू, ठीक है, और यहाँ पर बोल रहे हैं वी नीड स्क्रीनशॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सफर्ड ड्यू टू कंडक्शन ऑफ एग्जाम इन दिस पेंडेमिक। मतलब हर तरीके से कोशिश ये किया जा रहा है कि हमारे पास में एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो, स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे एडवोकेट सामने आ रहे हैं और इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स के बारे में। जैसे कि हमारे पास में ईशाली तरन, आई एम इन कोविड केयर सेंटर नाउ, आई हैव टेकन ऑल दिस पॉसिबल मेजर्स टू सेव माई सेल्फ एंड यू टॉक अबाउट एसओपी स्ट्रेंज, डू यू वॉन्ट मी टू गो हियर अगेन बाई गिविंग एग्जाम। ठीक है, तो ये एक नीट की स्टूडेंट है जो कोरोना पॉजिटिव हमारे पास में हुई है। तो इस तरीके से बच्चे जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और धीरे धीरे उन बच्चों को भी समझ में आ रहा है जो बच्चे इतने दिन से कह रहे थे ना कि यार नहीं, हमें पोस्टपोन नहीं करना, पोस्टपोन नहीं करना। धीरे धीरे उनको भी समझ में आ रहा है, जब धीरे धीरे उन बच्चों के साथ भी, उनके फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है, उनको उनके फैमिली में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और जब वो सिचुएशन को देख रहे थे तब उनको भी थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है। कुछ लोगों को अभी भी अकल नहीं आई है, कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं बच्चे, इफ अ फ्यू पीपल विल डाई देन लेट देम डाई, आई कांट हैंडल दिस मेंटल स्ट्रेस एनी मोर, कंडक्ट एग्जाम्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये कुछ बेकार की बातें ऐसी भी चल रही है यार, लोग मर रहे हैं तो मरने दो। जैसे वो नायक पिक्चर में नहीं था, लोग मरते हैं तो मरने दो, दुकानें जलती है तो जलने दो, ठीक है, बसें जलते हैं तो जलने दो, नायक पिक्चर का डायलॉग था, कुछ वैसी वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ पर बच्चे ये नहीं समझ रहे कि भैया आप भी मर सकते हो, आप खुद भी मर सकते हो। ठीक है, आप ये नहीं कि आप वहां पर फोन में बोल रहे हो दुकानें जलती है तो जलने दो, नहीं, आप उन दुकानों में हो, ठीक है ना, आप भी उन दुकानों में जाओगे सामान खरीदने। तो अर्चना रॉय क्या कह रही है, आई माइट साउंड सेल्फिश बट आई डोंट अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ 130 करोड़ ओनली 15 लाख चिल्ड्रन आर एट रिस्क, दोज हु हैव मोर इम्यूनिटी अगेन दे हैव स्टार्टेड देयर टैंट्रम्स, इफ एवरीथिंग इज बिकमिंग नॉर्मल व्हाई नॉट एग्जाम्स। तो ये भी बहुत इलॉजिकल सी बात हो रही है। बहुत सारे बच्चे, उनको मैं कहना चाहूंगा जो बच्चे ऐसा थिंकिंग रख रहे हैं, आप लोग बहुत इलॉजिकल बात कर रहे हो, क्योंकि 130 करोड़ में से 15 लाख चिल्ड्रन रिस्क में है। मतलब आपने सच बोल दिया, आपने ये बोल दिया कि 15 लाख जो जेई मेन का एग्जाम देंगे वो सारे के सारे रिस्क में है। ठीक है, आप ये बता रहे हो कि जितने बच्चे एग्जाम देंगे वो सारे रिस्क पे है, तो आप बोलना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकल वे में बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर कैंसिल कंपार्टमेंट, यू सीबीएसई हैव किल्ड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, लॉस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं होता, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स होता, फॉर जस्ट फ्यू मार्क्स। आई वॉज राइट दैट यू केयर ओनली अबाउट मूवी नॉट द स्टूडेंट्स लाइक देम लाइक अस हुआर। यार मैं आप लोगों को, बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं बहुत सारे बच्चों के ऐसे ट्विटर पे देख रहा हूँ, इस तरीके से रूड तरीके से जो है अपनी मांग करी जा रही है और उस पर बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप इस तरीके से देखो कितने सारे रीट्वीट्स हो गए। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि यार इस तरीके से डिसेंट वे में आप करो जो भी करना है, इस तरीके से आप लोग गाली गलौज मत करो। बहुत लोग गाली दे रहे हैं और क्या कर रहे हो, मतलब किल्ड है ये है वो, इस तरीके से मत करो, थोड़ा सा डिसेंट वे में आप लोग करो पोस्टपोनमेंट की बात, तो और ज्यादा सपोर्ट करने में सबको अच्छा लगेगा और जेन्युइन लोग आपको सपोर्ट करेंगे। डू नॉट पोस्टपोन नीट एंड जेई, डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स आर फाइटिंग विद ड्यू प्रिकॉशंस डेली फॉर आवर्स डेली इन कोविड पॉजिटिव आईसीयूज, कांट वी सिट फॉर एग्जाम्स फॉर 3 आवर्स इन क्लीन एनवायरमेंट, प्लीज डोंट पोस्टपोन नीट और जेई। आपकी थिंकिंग, जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं ना, उनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको पेशेंट नहीं बनना, आपको डॉक्टर बनना है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि यार डॉक्टर अपना काम कर रहे तो मैं भी अपना काम करूं, तो आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे, आप पेशेंट बन जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उन डॉक्टर्स का लोड बढ़ा रहे हो। ठीक है, आज अगर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करना बंद कर दे, इतने सारे पेशेंट्स हो रहे हैं, तो जितने ज्यादा पेशेंट्स होंगे डॉक्टर्स को उतना ज्यादा दिक्कत आएगा ना यार आपको ट्रीट करने के लिए। तो आप उन डॉक्टर्स का लोड भी बढ़ा रहे हो, पहला चीज, और दूसरा चीज, आप खुद को एक डॉक्टर नहीं बना रहे, आप एक पेशेंट बनाने की तरफ लेकर के जा रहे हो, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, कैन एनीवन गारंटी फॉर पीक ऑफ कोरोना, कैन एनीवन गारंटी फॉर वैक्सीन ऑफ कोरोना, अ डिजीज विच हैज अ बेटर रिकवरी रेट नाउ एंड एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स विल विद परफेक्ट एसओपी नाउ, शुड नीट एंड जेई बी पोस्टपोन फर्दर सर। यार आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार रिकवरी रेट है ये है वो, आप लोगों को मैं बात बताना चाहूंगा कि जो टेस्टिंग है, ठीक है, वो अब जो हो रहा है वो रैपिड एंटीजन के साथ में हमारे पास में टेस्टिंग हो रही है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पैथोजेंस जो है वो डिटेक्ट ही नहीं होते, इस वजह से आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, कि टेस्टिंग बढ़ रही है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार हमारे पास में कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं। वो हो इसलिए रहा है क्योंकि रैपिड टेस्टिंग हो रही है जो कि कम एफिशिएंट होती है। तो उसमें तो हमारे पास में बहुत सारे डिटेक्ट ही नहीं हो रहे जो डिटेक्ट होने चाहिए थे,
समझ रहे हो आप लोग। तो ये सारी चीजें आप लोग ऐसे रेट वेट मत देखो आप लोग, यहाँ भाई रेट बेटर, रिकवरी रेट है, एग्जाम हो जाना चाहिए, ये वो। अभी भी केसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। एक्चुअली आई डोंट वांट टू कीप दिस, बट दिस इज फॉर द पीपल हु आर कंटिन्यूअसली आस्किंग फॉर द पोस्टपोन ऑफ जेई। इवन आई गेट मार्क्स आई वॉन्ट पोस्टपोन बिकॉज आई केयर फॉर माई हेल्थ। ये बहुत प्यारे लोग हैं ये जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं ना, कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स भी आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पोस्टपोनमेंट चाहिए। क्योंकि हम समझ गए कि भाई सिचुएशन क्या है, लोग देख रहे हैं, यू नो, अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, बहुत सारे जगह लोग देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस कैटेगरी के प्यारे बच्चे बनो। There are two options which can you can do now. Want postponement? Then DM me to donate. If you don't want to donate, then retweet it as much as possible. तो यार आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपसे पैसे मांग रहे हैं, कुछ जेन्युइन भी होते हैं, कुछ जेन्युइन नहीं भी होते हैं। तो आप लोग अपने पैसे जहां जहां डोनेट कर रहे हो, ठीक है, देख के डोनेट करना जहां जहां आपको सही लगे, पहली चीज तो। और दूसरा, अगर आप डोनेट नहीं कर सकते हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अवेयरनेस फैलाओ, ताकि लोग इस चीज की डिमांड करें। ठीक है, ये भी मत करने लगना कि यार हर जगह आप लोग अपने पैसे ही लुटा रहे हो इस चीज में और पढ़ाई वढ़ाई एकदम छोड़ करके बैठे हो। तो अगर पोस्टपोनमेंट नहीं हुआ तो आपको उसका भी दुख होगा कि यार आपने पैसे डोनेट किए, वो भी आप, यू नो, बहुत लोगों की नहीं होती है तो मम्मी पापा से मांग के कुछ जुगाड़ करके कुछ झूठ उठ बोल के ऐसे डोनेट कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग मत करना। पैसे तो देखो कहीं ना कहीं लगेंगे, यहां ना लगे तो आपके, अगर आपको डिजीज हो गया तो वहां आपको पैसे देने ही पड़ेंगे हॉस्पिटल में जाकर के। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप लोग सपोर्ट करो, लेकिन एट द सेम टाइम पागलों की तरह हर जगह कहीं पर भी डोनेट मत करते चले जाना। ठीक है, आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूं, बाद में फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार ये लूट करके चला गया, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है बहुत सारे लोगों को पैसा मांगने की। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, बट एक जनरल बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं। आकाश राजपूत कह रहे हैं, माय कोविड रिपोर्ट हैज कम पॉजिटिव एंड आई एम एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, सो हाउ डू आई गेट नीट एग्जामिनेशन इन दिस सिचुएशन। बहुत सारे बच्चों की ये सिचुएशन है कि यार वो नीट एग्जाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, वो कोरोना के पेशेंट्स बन चुके हैं। तो उनको ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि यार आज अगर हम कोरोना के पेशेंट इस साल बन गए और ये हमारा लास्ट साल था एग्जाम देने का, लेट से जेई वालों के लिए हो सकता है लास्ट साल हो, तो उनका ये भी क्वेश्चन होता है कि यार अगले साल हमको देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारे चीजों का जो आंसर है ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई अगर आप एक कोरोना पेशेंट होते हो और इस साल आप एग्जाम नहीं दे पाए तो अगले साल आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ये एश्योरिटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम नहीं दे पा रहे वो ये सोच रहे कि यार उनकी जिंदगी खत्म हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप लोग वुहान का न्यूज देखो तो 90% ऑफ रिकवर्ड कोविड 19 पेशेंट्स इन वुहान सफरिंग फ्रॉम लंग डैमेज। तो ये भी एक रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि लंग डैमेज की रिपोर्ट आ रही है 90% ऑफ रिकवर्ड कोविड 19 पेशेंट्स के अंदर। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि हो गया और 15 दिन में ठीक हो गया, इसमें लॉन्ग टर्म भी आपके पास में कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं जो अभी अपन को इस सिचुएशन में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जेई मेन और नीट पोस्टपोनमेंट को सपोर्ट करो। ट्विटर पे जितने हैशटैग्स चला सकते हो चलाओ, मैं भी ट्विटर पे हूं, मेरे को आप लोग टैग करके शेयर कर सकते हो, ठीक है, ट्वीट कर सकते हो, मैं उसको रीट्वीट कर दूंगा, मैं उसको शेयर कर दूंगा। और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं, वो जा करके ट्वीट करो, रीट्वीट करो, मैं भी अपने तरफ से ट्वीट करूंगा ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा सा सपोर्ट मेरे तरफ से भी मिल पाए। बट एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जैसे साउथ में एग्जाम्स हो गए केसीटी वगैरह, वैसे जेई नीट अगर पोस्टपोन हो गया तो कल को किसी और को रिस्पॉन्सिबल मत, यू नो, अगर एग्जाम हो गया पोस्टपोन नहीं हुआ तो कल को किसी और को आप लोग ये रिस्पॉन्सिबल मत ठहराना कि यार हम इन सब चीज़ों में लग गए थे, पोस्टपोनमेंट में लग गए थे। आपकी प्रिपरेशन अब तक हो जानी चाहिए, रिवीजन का टाइम आपका आ जाना चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन अभी भी सही से नहीं कराया तो फिर भाई पढ़ लो, ये मत सोचो कि पोस्टपोन हो गया नहीं हो गया, आप पढ़ लो यार। अगर पोस्टपोन हो गया तो भी बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बढ़िया है, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं होना चाहिए। एसओपी वेसओपी ये सारी चीजें मैं नहीं मानता, क्योंकि इतना ज्यादा जब पॉपुलेशन आ जाता है तो एसओपी वगैरह कुछ काम नहीं करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग पोस्टपोन होना चाहिए, गवर्नमेंट यहाँ पर पोस्टपोन करना चाहिए और आप सब स्टूडेंट्स को पोस्टपोनमेंट की मांग करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पोस्टपोनमेंट नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आई विश ऑल द बेस्ट टू, यू नो, सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, सारे बच्चों को जो भी इस जंग में जाना चाहते हैं और वो सेफ अगर आ जाए, ये मेरी आप लोगों से सबसे प्रार्थना रहेगी, आप लोगों के लिए विश रहेगा। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।